हेलो एवरीवन, तड़का किचन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाने जा रहे हैं पालक पनीर। पालक पनीर बनाने के लिए मैंने पालक ले लिया है और उसको 3 से 4 बारी पानी से धो लिया है, साफ पानी से अच्छे से वॉश कर लिया है। उसके बाद मैंने इसकी जो स्टेम्स हैं, हार्ड वाला पार्ट थोड़ा निकाल दिया है, तो इसको साफ करना बहुत ज़रूरी है। अब हम इसको ब्लांच करेंगे उबलते हुए पानी में। पानी हमारा अच्छे से उबल रहा है, अब इसमें हम पालक डाल देंगे। साथ ही मैं इसमें डाल दूंगी 2 हरी मिर्ची। 3 से 4 मिनट लगेंगे इसको ब्लांच होने में, इससे ज़्यादा हमें इसको उबलते हुए पानी में नहीं रखना है, नहीं तो कलर इसका डार्क हो जाएगा। कलर बिल्कुल ग्रीन रहे, जैसा है वैसा ही नेचुरल कलर रहे, उसके लिए मैंने ठंडा पानी लिया है, आइस वाटर। तो इसको हम 3 से 4 मिनट ब्लांच करने के बाद डायरेक्ट आइस वाटर में डाल देंगे। तीन से चार मिनट हो गए हैं, पालक हमारी अच्छे से सॉफ्ट हो गई है। इसकी एक स्टेम को हम दबा के देख लेंगे जिससे हमें पता चल जाएगा। ये देखिए एकदम सॉफ्ट हो गई है, बस इतना ही हमें इसको कुक करना है। अब इसको हम ठंडे पानी में डालेंगे। ये मैंने आइस वाटर रखा है और सारी पालक को मैं इसमें ट्रांसफ़र कर दूंगी। सारी पालक को मैं ग्राइंडर जार में डाल लूंगी। पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, सारा पानी हमें निकाल देना है। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। पालक को मैंने पीस लिया है, देखिए कितना अच्छा कलर है। अब हम इसका तड़का तैयार करेंगे। गैस पे मैंने कढ़ाई रख दी है, अब इसमें मैं डालूंगी 1 से 1.5 कड़छी तेल। सरसों का तेल लिया है मैंने। तेल हमारा गर्म हो गया है, इसमें डाल दूंगी मैं 1/2 चम्मच जीरा, थोड़ी सी हींग, लहसुन डाल दूंगी। लहसुन को हमें ब्राउन करना है अच्छे से। लहसुन हमारा ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डालेंगे 1 चम्मच अदरक, अदरक को भी 1 मिनट के लिए भून लेंगे। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे, बारीक कटे हुए 2 प्याज लिए मैंने। प्याज को भी अच्छा गोल्डन ब्राउन होने तक हमें भूनना है। प्याज भी हमारा गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब हम इसमें डाल देंगे 2 कटे हुए टमाटर। अब इसमें हम अपने मसाले ऐड करेंगे, नमक
आधा चम्मच पिंच ऑफ हल्दी, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, एक चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच गरम मसाला, टमाटर को भी अच्छे से सॉफ्ट होने तक पका लेंगे। आप चाहें तो इसको कवर करके भी पका सकते हैं ताकि जल्दी सॉफ्ट हो जाए। टमाटर हमारा अच्छे से भून गया है, सॉफ्ट हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी चीनी, आधे चम्मच से भी कम, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। अब इस तड़के में हम दो चम्मच फ्रेश क्रीम भी ऐड करेंगे, इसको भी हम दो तीन मिनट के लिए भून लेंगे। क्रीम भी हमारी अच्छे से कुक हो गई है इसमें। अब इसमें हम ऐड करेंगे पालक की प्यूरी जो हमने तैयार करी है। देखिए कितना अच्छा कलर है। सात से आठ मिनट के लिए इसको हम अच्छे से भून लेंगे। इसको हमें कवर नहीं करना है, ऐसे ओपन में ही भूनना है, नहीं तो इसका कलर चेंज हो जाएगा। पालक को भूनते सात से आठ मिनट हो गए हैं। अब इसमें हम पनीर क्यूब्स ऐड करेंगे। आप चाहें तो पनीर को फ्राई करके भी डाल सकते हैं, मैंने फ्राई नहीं किया है। पालक पनीर हमारा 90% तो कुक हो गया है। अब हमें इसको एक छोटा सा तड़का देना है, तो मैं इसको एक बाउल में निकाल लेती हूँ। इसमें मैं डालूंगी एक चम्मच देसी घी, दो लाल मिर्ची तोड़ के डालूंगी मैंने, एक चम्मच लहसुन, लहसुन को अच्छे से ब्राउन करना है। थोड़ी सी कश्मीरी लाल मिर्च, तड़का हमारा तैयार है। इसको हम पालक के ऊपर डालेंगे, ये तड़का हम इसके ऊपर डाल देंगे। अगर आप लहसुन नहीं खाते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, इसकी जगह आप अदरक की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं। लीजिए पालक पनीर तैयार है। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।